चार दीपक अपने जीवन का महत्व समझाती प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक कुम्हार को चार जादुई मिट्टी के टुकड़े मिले। उसने उन मिट्टी के टुकड़ों के चार दीपक बना दिए। जब कुम्हार घर पर नहीं था तो वह चार दीपक आपस में बात करने लगे। पहला दीपक बोला, मैं हमेशा बड़ा ही सुंदर और आकर्षक घड़ा बनना चाहता था, पर क्या करूं, कुम्हार ने मुझे जरा सा दीपक बना दिया। दूसरा दीपक भी रोने लगा और मायूस होकर बोला, मैं चाहता था कि कुम्हार मुझे एक भव्य मूर्ति बनाए और मैं चाहता था कि किसी बड़े घर की शोभा बनूं, पर क्या करूं, कुम्हार ने मुझे एक छोटा सा दीपक बना दिया। तीसरा दीपक भी अपना दुख बांटना चाहता था, इसलिए वह भी पीछे नहीं रहा। वह कहने लगा, मुझे बचपन से ही पैसों से बहुत प्यार है। मैं चाहता था कि कुम्हार मुझे एक सुनहरी गुल्लक बना देता। जब मैं गुल्लक बनता तो मैं हमेशा पैसों से भरा रहता, पर मेरी किस्मत में ही दीपक बनना लिखा होगा, इसलिए कुम्हार ने मुझे एक छोटा सा दीपक बना दिया। चौथा दीपक खामोश रहकर उनकी बातें सुन रहा था। तीनों दीपक अपना अपना दुखड़ा गा रहे थे। तीनों दीपक चौथे दीपक को देखकर हैरान थे कि वह बहुत खुश नजर आ रहा है, उसे कोई परेशानी नहीं है अपने जीवन से। आखिर बात क्या है, जरा हम भी तो सुने। तीनों दीपक एक साथ बोल पड़े, क्यों भाई, तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ तुम भी तो अपनी जीवन के बारे में बताओ कि तुम क्या चाहते थे। चौथे दीपक ने कहा, कुम्हार जब मुझे बना रहा था तो मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वह मुझे बनाते वक्त बहुत प्रसन्न था। उसने जब मुझे बनाया तो मैं अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो गया था, क्योंकि पहले मैं एक बिखरी हुई मिट्टी था और अब मैं एक ऐसा दीपक बन रहा था जो अंधेरे को दूर करने का साहस रखता है। मैं वो साहसी दीपक हूँ जिसके जलते ही अंधेरा छुमंतर हो जाता है। मैं आभारी हूँ उस कुम्हार का जिसने मुझे इतना अच्छा बनाया कि लोग मुझे भगवान के सामने रखकर मंदिरों में प्रज्वलित करते हैं। मेरी रोशनी में पढ़कर ना जाने कितने होनहार बच्चे आज बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। मेरा प्रकाश सिर्फ अंधेरे को ही दूर नहीं करता, बल्कि एक नई उम्मीद और नई ऊर्जा का संचार करता है। चौथे दीपक की बातें सुनकर अन्य तीनों दीपों को भी अपने जीवन का महत्व समझ में आ गया। दोस्तों, अक्सर हम इंसानों को जो मिलता है हम उससे संतुष्ट नहीं होते और हर समय बस शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है और मैं उसकी तरह क्यों नहीं हूं। लेकिन दोस्तों, आप उन लोगों को देखिए जिनके हाथ पैर नहीं है लेकिन फिर भी आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर से शिकायत करने की बजाय अपने जीवन को समझा और उन्होंने सफलता हासिल की। इसलिए दोस्तों, आज से शिकायत करना बंद कीजिए और लग जाइए अपने जीवन को सार्थक बनाने में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो स्टोरीज वीडियो देखना पसंद है तो आप स्टोरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।